हेलो फ्रेंड, मैं सकीना खान सखी गार्डन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, आज मैं फिर एक नई वीडियो के साथ आई हूँ। ये देखना, ये दूधी घास है और दूधी दो प्रकार की होती है, इसे पहचान लो अच्छे से। ये हर जगह मिल जाती है, तमाम जंगल में अपने आप ही पनप जाती है। ये देख लीजिए, ये इसके बीज होते हैं ना, इसमें जो गोल गोल दिखाई पड़ रहे हैं, ये कहीं पर भी गिर जाते हैं तो तमाम ये निकल आती है। और ये समझ लीजिए कि आयुर्वेदा में तो ये रामबाण है, आयुर्वेदिया इसकी इतनी है। और जैसे पेचिस या दस्त वगैरह में तो बहुत ही अच्छी है, तुरंत आराम मिलता है। तो मैं इसके आयुर्वेदिक गुण को बता रही हूँ, आप देखो पहचान लीजिए दूधी को। इसके पत्ते और ये इसके जो गोल वाले बीज होते हैं, वो जड़ इसके सभी कुछ काम के होते हैं। ये देखिए, बहुत अच्छी, देखने में तो सुंदर लगती है। और गांव में तो कहते हैं जो भैंस वगैरह होती है, गाय भैंस बकरी दूध नहीं देती हैं, तो इसको खूब खिलाया जाता है जिससे उससे दूध पैदा होता है। और हम इंसानों के लिए तो ये बहुत अच्छी है। अब देखिए, ये दूधी दो प्रकार की होती है। इस जड़ी बूटी से बहुत फ़ायदे होते हैं, और जिनको अतिसार या खूनी आँव की बीमारी है तो इसे पीस कर पाउडर बना लें, फिर इस पाउडर को एक एक चम्मच सुबह शाम पिएं। कितनी भी भयानक आँव की बीमारी है या बार बार आपको सोच के लिए जाना पड़ता है, तो इससे सभी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। या फिर जिनको पेचिस की शिकायत है या रक्त स्राव हो रहा हो, जैसे खूनी आँव जिसको बोलते हैं, तो दूधी को सुखाकर पाउडर बना लें और थोड़ी मात्रा में फिटकरी मिलाकर सेवन करें। इससे कैसी भी ब्लीडिंग होगी उसमें आराम हो जाएगा। या जिनको नकसीर, जैसे नाक से खून जो आना लगता है, नकसीर की शिकायत है, उनके लिए दूधी बहुत गुणकारी है। इसके लिए दूधी को पीसकर पाउडर बना लें और उसमें थोड़ी मिश्री मिलाकर सुबह शाम खाएं। इससे कैसी भी नकसीर पूर्ति होगी वो शिकायत दूर हो जाएगी। या जिनको बहुत कमज़ोरी है, इसके लिए दूधी का प्रयोग बहुत ही उपयोगी है। इसके लिए 100 ग्राम दूधी लें, या बड़ी हो दूधी या छोटी, दो प्रकार की होती है ना ये, इसलिए इसका पाउडर बना लें सुखा के, और बराबर मात्रा में मिश्री मिलाकर सुबह शाम एक एक चम्मच लें। इससे कमज़ोरी या जैसे धातु रोग हो जाता है, स्वप्न दोष हो जाता है, या लड़कियों में सफ़ेद पत्थर की शिकायत हो जाती है, उसमें बहुत आराम मिलता है। और आजकल ये नए जनरेशन में बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं। अगर शुगर का रोगी है तो इसे पाउडर बनाकर सुबह शाम, इसमें फिर कुछ मिलाना नहीं पड़ता है, तो सुबह शाम बराबर मात्रा में वो बराबर आप देते रहें। इससे शुगर में बहुत आराम होता है, और शुगर तो वैसे भी 99% लोगों को ही है ही, तो ये तो आप ही सब लोग जानते हैं। तो ये जंगली जड़ी बूटियों से घर में आराम से इलाज हो सकता है। अगर इंसान पहले से ही लेता रहे तो आगे ज़्यादा बीमारी होने का चांस नहीं होता है। अब गांव के लोग तो ये सब चीज़ कर भी सकते हैं, वो सब जानते भी होंगे। गाँव के लोग अधिकांश अपने यही जड़ी बूटियों से पहले इलाज हुआ करता था। ये तो अब है कि एलोपैथिक दवाइयाँ ले लीं। ये है कि एलोपैथिक दवाई खाने से बहुत जल्दी आराम मिल जाता है, और इन दवाइयों को कम से कम 3 महीने आप लेंगे, 3 महीने के बाद आपको लेकिन जड़ से ही साफ़ कर देता है। कैसा भी बीमारी हो, जड़ से जो है ना वो रोग ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर में रोग प्रतिरोग की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ही अच्छा होता है। तो ठीक है फ्रेंड, अगर आपको हमारी ये सखी गार्डन पसंद आई हो तो आप सखी गार्डन को चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर हमारी गार्डन पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो, तो उसे लाइक करें, आप शेयर ज़रूर करें। तो ठीक है फ्रेंड, अब मैं चलती हूँ, फिर मिलती हूँ आपके पास एक नई वीडियो के साथ। तो बाय बाय दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।